कैसे हो संदीप, क्या हाल चाल है? बढ़िया हूँ यार चंपक, तुम बताओ क्या चल रहा है? बढ़िया संदीप, क्या देख रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, बस अपने पोर्टफोलियो को देख रहा हूँ, शेयर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। संदीप भाई, पिछली बार तुमने एक हेल्थ केयर कंपनी के शेयर के बारे में बताया था, मेरे दिमाग में ये बात आई कि हॉस्पिटल से ज्यादा तो दवा कंपनियों का कारोबार फैला हुआ है, दवाएं तो खूब बिकती हैं यार, तो तुम किसी दवा कंपनी के शेयर के बारे में बताओ ना, जहाँ निवेश कर अच्छा पैसा बनाया जा सके। अरे हाँ यार चंपक, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। चलो मैं तुम्हें आज एक दिग्गज दवा कंपनी यानी फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड, जिसे हम DRL के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तुम ये जान लो कि इस कंपनी का आखिरकार कारोबार कैसा है। हैदराबाद मुख्यालय वाली इस कंपनी की स्थापना 1984 में KA रेड्डी ने की थी। इसकी शुरुआत दूसरी दवा कंपनियों को सप्लायर के रूप में हुई थी, लेकिन आज यह देश की दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों में शामिल हो गई है। यह भारत की टॉप 10 फार्मा कंपनियों में से एक है। कंपनी मुख्य रूप से ब्रांडेड जेनरिक और API कारोबार में है। इसके ब्रांडेड जेनरिक उत्पाद भारत के अलावा 30 से ज्यादा देशों में उपलब्ध हैं। कंपनी के रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा इस कारोबार से आता है। भारत के बाहर की बात करें तो रूस, चीन और ब्राजील कंपनी के लिए सबसे अहम बाजार हैं। यार संदीप, कुछ सरल शब्दों में समझाओ ना, ये API जेनरिक क्या है ये सब, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। हाँ हाँ भाई, डोंट वरी, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। देखो, फार्मा इंडस्ट्री के लिए API जेनरिक दवाएं या पेटेंट दवाएं जैसे शब्द काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। ये किसी दवा का बेस मटेरियल या केमिकल कंपाउंड होता है। जैसे तुम अगर किसी दुकान से क्रोसिन खरीद रहे हो तो उसका API पैरासिटामोल होगा। पैरासिटामोल API कोई और कंपनी बनाती है और उसके आधार पर क्रोसिन जैसी दवाएं दूसरी कंपनी। भारत में APIs का बड़ा हिस्सा अभी चीन से आयात किया जाता है, इसीलिए इसमें बिजनेस बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इसी तरह अब पेटेंट और जेनरिक दवा को समझते हैं। जब कोई कंपनी किसी नई दवा की खोज करती है तो वह इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इसका पेटेंट करा लेती है। पेटेंट का मतलब यह है कि कोई दूसरी कंपनी बिना इजाजत के इस दवा को नहीं बना सकती, और अगर वह मंजूरी लेकर इसे बनाती है तो भी खोज करने वाली कंपनी को इसकी रॉयल्टी देनी होगी। लेकिन यह पेटेंट कुछ निश्चित साल के लिए होता है, इसके बाद दूसरी कंपनियां यह दवा बनाने के लिए आजाद होती हैं। तो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद बनने वाली यह दवा जेनेरिक दवा कहलाती है। यह कोई भी कंपनी बना सकती है, इसलिए आप देखते होंगे कि पेटेंट दवाएं काफी महंगी होती हैं, जबकि जेनेरिक दवाएं काफी सस्ती होती हैं। एक और शब्द इस्तेमाल होता है, बायोसिमिलर। बायोसिमिलर और जेनेरिक दवाएं पेटेंट खत्म होने के बाद ही बनती हैं। दोनों में फर्क यह है कि जेनरिक दवाएं समान फार्मूले पर बनती हैं, जबकि बायोसिमिलर में फार्मूले में थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। चंपक, मुझे लग रहा है अब तुम्हारे मन में ना ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये ब्रांडेड जेनरिक दवाएं क्या होती हैं, वो भी बता देता हूँ। देखो, साधारण जेनरिक दवाएं अपने केमिकल नाम से जानी जाती हैं, लेकिन ब्रांडेड जेनरिक दवा को कंपनियां अपने ब्रांड नेम से बेचती हैं। जैसे अटोरवास्टैटिन कैल्शियम एक जेनरिक दवा है जिसे फाइजर लिपिटोर ब्रांड के नाम से बेचती है। तो अब तुम ये समझ गए होगे कि किसी दवा कंपनी के लिए API, पेटेंट या जेनरिक दवाओं का क्या महत्व है। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डीज के कारोबार पर। इसके पोर्टफोलियो में जेनरिक दवाएं, APIs, कस्टम फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, बायोसिमिलर और कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशंस शामिल हैं। इसके पास फॉर्मुलेशन की 13 फैसिलिटीज़, API की 9 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़, एक बायोलॉजिक्स फैसिलिटी और दुनिया भर में कई R&D सेंटर्स हैं। ठीक है, समझ गया, काफ़ी दिग्गज और मशहूर कंपनी है, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी कमाई प्रॉफिट कैसी रही, इनके बारे में भी कुछ बताओ ना। बिल्कुल, क्यों नहीं बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर 23 की तीसरी तिमाही में DRL ने 5 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। डॉलर के मजबूत होने, खासकर अमेरिकी बाजार में जेनरिक रेवलिमिड की लगातार मांग की वजह से कंपनी की आय साल दर साल 27.2% बढ़कर 6,331 करोड़ रुपये पहुंच गई। इसी तरह कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 23 की तीसरी तिमाही में इबिट्टा मार्जिन करीब 6% बढ़कर 28.7% तक पहुंच गया। इस दौरान साल दर साल कंपनी का
कर बाद मुनाफा 81.1% बढ़कर 1251 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कंपनी के पास 3400 करोड़ रुपए का कैश सरप्लस है। वित्त वर्ष 2023 के 9 महीनों की बात करें तो कंपनी की बिक्री साल दर साल करीब 14% बढ़कर करीब 18,291 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस दौरान एबिट्टा 48% बढ़कर 5,677 करोड़ रुपए, कर बाद मुनाफा 56% बढ़कर 3,548 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अच्छा, समझ गया कि कंपनी का कारोबार मजबूत है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, यानी इसका आउटलुक कैसा है, ये भी तो बताओ। मैं समझ गया तुम क्या जानना चाहते हो। देखो, हाई बेस के बावजूद ये कंपनी 5-6% की बढ़त हासिल करने की उम्मीद कर रही है। यही नहीं, कंपनी 30 नए उत्पाद भी लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। DRL के पास 75 एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी ENDA की जबरदस्त पाइपलाइन है और 3 न्यू ड्रग एप्लीकेशन यानी NDA की अप्रूवल भी पेंडिंग है। इससे अमेरिका में कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ बायोसिमिलर्स में कंपनी वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में पेगफिलग्रास्टिम का बायोसिमिलर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ये उत्पाद फ्रेसेनियस काबी के साथ साझेदारी में लॉन्च करेगी यानी पार्टनरशिप में लॉन्च करेगी और इससे जो आय होगी उसे रॉयल्टी मिलेगी। देखिए, पहली बात तो डॉक्टर रेड्डीज एक बड़ा प्लेयर है जो जेनरिक मार्केट में काम करता है और हाल ही में इन्होंने इनका नया प्रोडक्ट रेवलिमेट लॉन्च किया है जो बहुत ही अच्छी तरह से US मार्केट्स में परफॉर्म कर रहा है। इनका कारोबार ज्यादातर US मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। US मार्केट से मेजरली सेल्स आती है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज थोड़े एशियन कंट्रीज से भी इनका रेवेन्यू आता है, बट ज्यादातर इनका जो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो ज्यादातर कार्डियोवैस्कुलर और जो बेसिकली क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे इनका फोकस ज्यादा है। तो मोटा मोटी यही है कि कंपनी R&D फोकस्ड है और कई क्वार्टर्स के बाद हमको लग रहा है कि अभी जो FY24 और FY25 के जो नंबर्स आएंगे वो काफी दमदार आएंगे। इनफैक्ट शेयर भी थोड़ा बहुत तेजी इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अनुमान है कि रेव लिमिट से रेवेन्यू नॉट ओनली FY23 में आएगी लेकिन FY24 में भी इसका इम्पैक्ट आएगा और थोड़ा बहुत इनको एक्सक्लूसिविटी पीरियड भी मिलता है तो उसका भी फायदा इस ड्रग के कारण मार्जिन्स में इजाफा हो जाएगा। तो मोटा मोटी आउटलुक काफी पॉजिटिव है। हमको लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अगर हम देखें तो FY24 के अर्निंग्स अगर देखें तो वैल्यूएशन 20 टाइम के नीचे चल रहे हैं जो मेरे ख्याल से डॉक्टर रेड्डी जैसी कंपनी के लिए काफी आकर्षित लगते हैं। तो क्या DRL शेयरों में अभी निवेश का मौका है? अगर हाँ तो अगले 1 साल या 2 साल के लिए एक्सपर्ट क्या टारगेट दे रहे हैं? ओके, देखो, पिछले 1 साल में इसका शेयर लगभग 18% का रिटर्न दे चुका है। करीब 3,750 के स्तर से ये शेयर 4,440 के करीब आ गया है और 4,645 का जो 52-week हाई है उसके बेहद करीब कारोबार कर रहा है। फार्मा सेक्टर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि बहुत समय तक ये सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस हमने अभी देखी है और अभी उचित समय है जब किसी को अगर निवेश करना है क्योंकि आपको अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हमारा अनुमान है कि FY24 में करीबन 275-280 रुपए की अर्निंग आएगी प्लस रेव लिमिट का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है उसका पूरा भरपाई आपको FY24 में देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि इसको कम से कम 18 या 19 टाइम अगर हम PE मल्टीपल देते हैं तो मेरे ख्याल से करीबन 5,050-5,100 रुपए का टारगेट अगले 12 से 18 महीने में पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली निवेश के लायक स्टॉक है लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा रखिए। स्टॉक मेरे ख्याल से मार्च के क्वार्टर के बाद एक अच्छी री-रेटिंग देखने की पोटेंशियल रखता है। अरे समझ गया संदीप भाई, कंपनी के लिए काफी मीठी मीठी बातें हैं लेकिन कुछ कड़वापन भी तो होगा, यानी कुछ राह में इनकी चुनौतियां भी तो होंगी। क्यों नहीं, देखो मैं कुछ भी छिपाने वाला नहीं हूँ, अपनी आदत ही नहीं है, तुम तो जानते ही हो। ध्यान से सुनो फिर मत कहना मैंने बताया नहीं। देखिए, पहली बात तो US मार्केट्स बहुत कॉम्पिटिटिव है। US मार्केट्स में अगर कोई रेगुलेटरी इशू आता है या कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई दिक्कत होती है तो ये एक बड़ा रिस्क फैक्टर ऑलवेज US कंपनीज यानी जो US मार्केट फोकस्ड वाली कंपनियां है उसमें होता है। उसके बाद रेवलिमिड में अभी लिमिटेड कॉम्पिटिशन है लेकिन आगे चल के अगर कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट से जो मुनाफा का मार्जिन अभी बन रहा है वो शायद नहीं बने लेकिन हमको लग रहा है कि कम से कम FY24 तक तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी फ्रेश कंपटीशन इस प्रोडक्ट में कंपनी को देखने को मिले। तो नियर टर्म में तो यही चैलेंजेस है और यही थोड़े से रोड ब्लॉक्स हो सकते हैं बट अदरवाइज हमको लग रहा है कि अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आने वाले 2 सालों के लिए काफी अच्छी लग रही है।
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज एक ऐसी दिग्गज दवा कंपनी है या फार्मा कंपनी है जिसके शेयरों ने इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसके शेयरों का आउटलुक भी काफ़ी अच्छा है और अगले एक साल में इसके करीब 12% की बढ़त का अनुमान एक्सपर्ट लगा रहे हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में कोई फार्मा स्टॉक रखना ही है तो इसमें निवेश कर आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।